हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चावल का एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या क्या लिया है हम बताते हैं। हमने लिया है उबले हुए एक बाउल, हमने चावल ले लिया है छोटे बाउल से। एक चम्मच आलू भुजिया है, कोई भी नमकीन ले सकते हैं आप। एक प्याज है, एक टमाटर है बारीक कटा हुआ। आमचूर पाउडर है 1/4 चम्मच। काला नमक लिया है 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम। आधा चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच गरम मसाला है। ग्रीन चिली सॉस है 1 चम्मच। टोमेटो केचप है 1 चम्मच। इधर हमने पैन चढ़ा दिया है। पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसमें डाल देंगे ये प्याज, हल्का सा भून लेंगे। चावल को हल्के से भून लिया है, इसी में डाल देंगे पिसी धनिया, गरम मसाला और टमाटर। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। टमाटर को भी अच्छे से भून लिया है, इसमें डाल देंगे ये उबला हुआ चावल। चावल को फ्राई कर लेंगे। चावल को फ्राई कर लिया है, इसी में डाल देंगे काला नमक और आमचूर पाउडर, मिला लेंगे। अब इसी में डाल देंगे ये ग्रीन चिली सॉस, मिक्स कर देंगे। हाथ में डाल देंगे टोमेटो केचप, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से फ्राई कर दिया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लिया है, ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी भुजिया। चावल का नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। ये सभी को बहुत पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।